हेलो दोस्तों, इंग्लिश T20 लैंकाशायर बॉल्स डर्बी शहर के मैच के बारे में आप डिस्कस करेंगे। स्मॉल लिफ्टिंग के बारे में आपको बताऊंगा और एक दो ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा, किसको आप अल्टरनेटिव रख के थोड़ा सा ग्रैंड लीग में थोड़ा रिक्स लेके आप बेहतर टीम बना सकते हैं। और स्मॉल लीग की टीम के बारे में बता दिया जाए, पी सॉल्ट ब्रेक विकेट कीपर के सेक्शन में एक बढ़िया ऑप्शन है विकॉज, क्योंकि वो ओपनिंग में आते हैं और बाकी डी ब्लास और बी केस्ट लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, चौथे पांचवें नंबर पे आते हैं, तब तक उनका चांस, क्योंकि बैटिंग पिच है तो आज ऊपर के दो या तीन में से कोई टिक गया तो फिर इनके चांसेस कम है, इसके लिए पी सॉल्ट बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। और बैटिंग सेक्शन में देखा जाए तो एस मकसूद बहुत ही अच्छे चांसेस है, और के जेंगनिंग्स जो है एक अच्छा ऑप्शन है, पिछले मैच में बहुत बढ़िया खेले थे, और टीम डेविड जो लास्ट मैच में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके गए हैं। और चौथे ऑप्शन के लिए आपको बता दें, क्रॉफ्ट रख लीजिए, नहीं तो आप मैडसन के साथ ही जा सकते हैं, मेरे हिसाब से मैडसन के साथ जाना चाहिए। और ऑलराउंडर सेक्शन में देखा जाए तो ऑलराउंडर सेक्शन में लिविंगस्टन बेस्ट ऑप्शन है, पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच भी बने थे, तीन विकेट लेके गए थे, 20-25 रन भी मार के गए थे। और दूसरा ऑप्शन इनमें जाए तो पाकिस्तान एडन केयर बहुत बढ़िया ऑप्शन है, मार्क बोर्ड एम बोट है जो इस ग्राउंड पे देखा जाए तो पिछले दो मैचों में बहुत बढ़िया रन स्कोर बनी है, 180 प्लस बना है, तो देखा जाए तो ग्लिनशन बहुत सही है ऑप्शन रहेगा। और प्रीव्यू देख लिया जाए, लैंकाशायर एक मजबूत टीम है, होम ग्राउंड पे खेल रही है तो उनको ज़्यादा ऑप्शन अच्छा रहेगा, उनका लैंकाशायर की साइड से आप जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि पिछले मैच में वन साइडेड विन किया था उन्होंने। तो ये स्मॉल लीग की टीम है, कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, लिविंगस्टन कैप्टन रहेगा आपका, वाइस कैप्टन आप पी सॉल्ट एक अच्छा ऑप्शन है, मकसूद एक ऑप्शन है, जेनिंग ऑप्शन है, ये तीन ऑप्शन भी जा सकते हो, मेरे हिसाब से आपको पी सॉल्ट नहीं तो मकसूद के साथ जाना चाहिए, एक बढ़िया ऑप्शन है, मैं पी सॉल्ट के साथ जाऊँगा, थोड़ा सा रिक्स लेके जाना चाहिए। की बात कर दिया जाए तो विकेट कीपर सेक्शन में पी सॉल्ट की जगह आप बी गेस्ट रिक्स लेकर चाहते हो तो रिक्स टेकर के लिए बात कर रहा हूँ मैं, और मैडसन की जगह आप क्रॉफ्ट ले सकते हो, और कि ये के जेंगिंग्स की जगह आप एच केन केम, नहीं तो ऑलराउंडर सेक्शन में से डीसी या तुलूपी में से एक को ले सकते हो आप, और डीलम तो आपके लिए बेटर ऑप्शन नहीं है ग्रैंड लीग में, बल्कि जो बहुत लोअर ऑर्डर में बैटिंग करने आता है, बॉलिंग में कोई ज़्यादा चांस ओवर नहीं मिलते, और बॉलिंग में बढ़िया ऑप्शन है हार्टली, एक अच्छा ऑप्शन है, और ग्लिनशन तो है, एम बॉट एक सेकेंड इनिंग में एम बॉट बहुत बढ़िया रहेंगे, और ग्रैंड लीग में कैप्टन आपके लिए बहुत बढ़िया लिविंगस्टन ही एक बढ़िया ऑप्शन है, मकसूद जेनिंग पी गेस तो ऑप्शन नहीं रहेंगे, ड्रीम टीम में आ जाए वही बढ़िया है, एडन केयर एक अच्छा ऑप्शन है, क्लेसन है ये बढ़िया, ये अच्छा दो चार ऑप्शन है, ये रिस्की टीम है, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से भी एक दो चेंजेस कर सकते हैं, मेरे सबसे वाइस कैप्टन लिविंगस्टन के साथ ही चाहिए, जो बॉलिंग का ऑप्शन देते हैं, पिछले मैच में 3-4 ओवर किए थे और 3 विकेट लेके गए थे। थैंक यू दोस्तों।